हैदराबाद से 170 किलोमीटर तेलंगाना में करीमनगर जिले का वीरनापल्ली गांव। इस गांव की हवा कुछ बदली सी है। यहां है पीने का स्वच्छ पानी 100%, बिजली 100%, साक्षरता 100%, अस्पताल में जन 100%, टीकाकरण 100%, कुपोषित बच्चे 0%। नरसैया की 5 पीढ़ियां इसी गांव में पैदा हुई। सबकी आंखें खुशहाली का सपना देखे बगैर बुझ भी गई। नरसैया का बचपन जवानी इन्हीं गलियों में गुजरी, लेकिन पिछले 2 सालों में जो हुआ उसका सपना तो नरसैया ने भी कभी नहीं देखा था। पहले कुछ भी नहीं था और रोड हो गया, बिजली हो गया, बैंक बनाया, बड़ा स्कूल बनाया, आंगन बड़े हो गए, सब हो गया। जरा आनंद आया, हम लोग को कुछ फिक्र नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी 80 किलोमीटर घने जंगलों में बसे वीरनापल्ली गांव तक विकास, विकास की योजनाएं तो क्या, योजनाओं की खबर भी पहुंचते हुए भटक जाती। सिर्फ 5-6 परिवारों को छोड़कर गांव के बाशिंदे आदिवासी, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजाति से। फिर माओवाद ने भी यहां पैर पसारने शुरू किए। नवंबर 2014, एक नया दिन, नया सूरज, नई उम्मीद साथ लाया। यहाँ के सांसद विनोद कुमार बोयनापल्ली गांव पहुंचे। उनके साथ थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। योजना के तहत सांसद ने इस गांव को गोद ले लिया। मंशा थी गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाए। I thought that I should serve a village which is remote, which is deprived of development activities. सबसे बड़ी समस्या सामने थी, गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था और गांववासी एक दूसरे से भी दूर थे। The connectivity to this village to the main road is around 30 kilometers away from this village. गांव 8 बसावटों में बसा हुआ था, हर बसावट एक दूसरे से कटी हुई। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं जो एक ही गांव के इन लोगों को आपस में जोड़ पाए। I have to travel to these hamlets on a motorbike. तय हुआ सबसे पहले लोगों को ही आपस में जोड़ना होगा। Now all these 8 tandas are well connected with the CC roads and BT roads to the village. लोग आपस में क्या जुड़े, पूरा गांव मानो खुशहाली से जुड़ गया। गांव में कुल 56 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। हर घर में शौचालय है। हर बुजुर्ग को, विकलांग को और विधवा को पेंशन मिलती है। गांव का हर परिवार स्वसहायता समूहों से जुड़ा है। स्वसहायता समूहों के जरिए बैंकों से जुड़े और शुरू किया अपना रोजगार। ये सब हुआ पिछले 2 सालों में। अब गांव हर साल करीब 12% की दर से प्रगति कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह है यहां के किसान। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर हल चलाने के बावजूद किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं था। वजह, आजादी से पहले शुरू हुआ एक पेचीदा कानूनी मामला। पेशे से वकील यहां के सांसद इस मामले को सुलझा पाए। Around 200 families, they were given pattas, that's the land ownership certificates by the district collector,
by resolving a dispute of 5 decades. देश में न पैसे की कमी है न योजनाओं की। अगर योजनाएं लोगों तक पहुंचे और ठीक से लागू हो तो क्या हो सकता है, इसकी मिसाल सांसद आदर्श ग्राम योजना और वीरनापल्ली गांव।